हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आपका वेलकम करता अपने गार्डनिंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुलाब पे। तो दोस्तों आज है मार्च की 25 तारीख, हो सके आपको ये वीडियो लेट मिले। तो दोस्तों ये देखिए, ये है गुलाब का प्लांट, रेड कलर है, काफ़ी डार्क कलर है। तो दोस्तों अगर आपके गुलाब का प्लांट नहीं ग्रो हो रहा है तो आप उसमें कुछ बातों का ख्याल रख सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, गुलाब के प्लांट जो होता है कि इसकी सॉइल को एसिडिक मिट्टी पसंद है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा विनेगर या फिर फिटकरी का पानी मिला सकते हैं। वैसे विनेगर तो मैं नहीं आपको कहूँगा कि डालें, क्योंकि विनेगर से मुझे वो रिजल्ट नहीं मिले हैं जो फिटकरी से मिले हैं। फिटकरी थोड़ी सी आप लेके 1 लीटर पानी में मिला के अगर अपने प्लांट को दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से इसका रिजल्ट मिलता है। और इसे हर एक हफ्ते में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। तो दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है, और हफ्ते में हमें एक बार देना होता है। इससे दोस्तों ये है कि हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने ये चीज़ को आजमाया है, तो आपको मैं कहता हूँ कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज किया करें। दोस्तों मैंने बना के रख रखा है, देखिए दोस्तों इसमें जो पत्ते ये टूट के जो सूख के गिरते हैं वो हमको हटाते जाने, नहीं तो ये फंगस का कारण बनता है, देख सकते हैं। और हमको इसकी मिट्टी जो है ये गोड़ी करते रहना चाहिए। तो दोस्तों आप भी इस बातों का ख्याल रखिए। और ये जो गुलाब का प्लांट होता है हैवी फीडर होता है, तो इसको हमको ज़्यादा फीड देनी पड़ती है, क्योंकि इसको ज़्यादा इस पर फ्लावर आते हैं। तो हम जितने अच्छे से पौधे की केयर करेंगे उतने अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। आप देख सकते हैं कितनी कलियां लगी हुई हैं इस पर। और आपको मैं अभी खाद भी बता देता हूं कि इसमें जो लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या डालता हूं। देखिए ये डहेलिया का है, कितने बड़े साइज का। तो ये सब लिक्विड फर्टिलाइज़र के ही है। आप भी अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज करें तो आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी इसमें खुशबू भी आती है, धीमी धीमी सी। तो दोस्तों ये जो मेरा टेरेस गार्डन है खुले आसमान में ही है, देखिए ऊपर मैंने कोई ग्रीन नेट भी नहीं लगा रखी है। तो इनको जो कि किसी भी प्लांट को सनलाइट अच्छी चाहिए। और ये देखिए सारे जितने हमारे प्लांट हैं सारे, देखिए तो सारे जितने हमारे प्लांट हैं ये सारे हमने टेरेस पे ही लगा रखे हैं, कोई ग्रीन नेट भी नहीं लगी है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं डिब्बा, इसी में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखता हूँ और हर एक हफ्ते देना होता है। देखिए इसमें है नीम खली, बोन मील और सरसों खली, दो तीन चीज़ों का ये है। इसमें से एक गिलास हमको लेना होता है और हर हफ्ते उसे देना होता है। एक गिलास अगर आप ले रहे हैं तो उसके संग आपको 4 गिलास पानी भी मिलाना है। तो देखिए काफ़ी अच्छे से इससे फ्लावरिंग होती है, और कलर भी देखिए बहुत अच्छा कलर आता है। तो आप भी मिट्टी को भी एसिडिक आपको रखना है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।